हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिन बाद आपसे मिल रही हूँ। हम कभी कभी घूमने गए किसी रिलेटिव्स के घर या कुछ और जगह, अपना स्टडीज से ब्रेक ले लिया। तो आकर ना स्टडी करने में बिल्कुल मन नहीं करता था, ट्यूशन जाने का मन नहीं होता था या स्कूल जाने का, उस एक अलग मोड में चला जाता। फिर वापस आने में थोड़ी सी मुश्किल, मन नहीं करता पर जाना पड़ता, फिर से ठीक हो जाता है। आज का हमारा दिन अभी भी गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ मतलब बेसमेंट में काम चल रहा है, तो इसलिए बेसमेंट का सारा सामान ना हम ऊपर शिफ्ट किया और पूरा घर मतलब अभी उलझे हुए है। बहुत सारी कुछ बेसमेंट में प्लान है, इस तरह से बेसमेंट का जो स्टोरेज है वहाँ रखेंगे। बेसमेंट में काम जब भी ख़त्म होगा ना, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका हेल्प से हम नीचे शिफ्ट करेंगे फर्नीचर। तो इसलिए सामान पहले से हमको लेना पड़ा, क्योंकि जिस दिन काम ख़त्म होगा उसी दिन हम शिफ्ट कर लेंगे। तो वो सब पूरा घर पे इधर उधर पड़ा है, और बहुत सारे स्टोरेज का सामान ये वो पड़ा है, और स्टोरेज का बहुत सारे कुछ बिहान का बचपन की चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमारा भी बहुत सारे पुराना चीज़ें नहीं चाहिए, तो ना सब कुछ बेसमेंट में मैं जमाती थी। ऐसा था, जिस दिन बेसमेंट का काम होगा, बेसमेंट का फ्लोर बनेगा, तो सब ऑर्गेनाइज करेंगे तभी सही से रखेंगे। अभी जस्ट ऐसे करके थ्रो करके रखती थी, तो अभी आज वो टाइम आ चुका है चीज़ें ऑर्गेनाइज करो। तो बेसमेंट से सारा चीज़ ऊपर इधर उधर अभी रखी हूँ, तो वॉक करने की भी स्पेस नहीं है घर पे। तो अभी तो काम होने के बाद फिर वहाँ थ्रो कर सकती हूँ, धीरे धीरे ठीक कर सकती हूँ, उसको बहुत टाइम लगेगा। पर मैं सोच रही हूँ उससे थोड़ा घर कुछ दिन ऐसे ही रहे, धीरे धीरे एकदम फाइनली जहाँ जो चीज़ रखना है, जो चीज़ नहीं रखना है घर पे, तो उसको सॉर्ट आउट करके एकदम फाइनल जो करे फाइनल करे, फिर बेसमेंट में सारा चीज़ मूव करूँगी। वहाँ से धीरे धीरे करूँगी सोच करना, वो नहीं हो पाएगा, उधर ही पड़ा रहेगा, और उसके लिए टाइम निकल कर जाऊँगी, कब करूँगी, मतलब उसमें देर, बहुत देर, एक दिन तो हो जाएगा पर उसमें बहुत। अभी ऊपर ही रहेगा तो ये रहेगा जे वॉक करने की स्पेस नहीं है, ऊपर जल्दी जल्दी खाली करना है, अगर कोई किसी वक्त घर आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज सोच रही हूँ मैं किचन को थोड़ा सही कर लूँ, तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे करती रहूँगी और आपके साथ भी शेयर करेंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते। एक लोड डिशवॉशर लगा दिया मैं सुबह से उठकर, और बिहान चले गए स्कूल, उसका लंच बनाया, फिर स्नैक रेडी किया, फिर उसको सुबह सुबह खिला दिया। एक बार किचन पूरा ठीक ही कर लेते, जो इस दिन इन दिनों से ना सब ये हो गया, तो आज किचन में ही रहते हैं, किचन पूरा आज सेट कर लेते हैं, तो वही करूँगी। और एक लोड लॉन्ड्री का भी लगा दिया हूँ, और ड्रायर भी चल रहा है। एक लोड मैं रात को करके रखी थी, तो उसका ड्रायर में लगा दिया और एक अभी लगा दिया, और भी शायद आज 2-3 लोड करना पड़ेगा। तो बहुत सारा क्लीनिंग चल रहा है, ऐसा क्लीनिंग चल रहा है मानो जैसा ईयर एंडिंग में करते हैं ना हर घर में क्लीनिंग, या कोई कोई लोग दिवाली में करते हैं। और हमारे, हम बंगाली है ना, तो हमारे घर पे बंगाली जो न्यू ईयर आते हैं उसके एकदम पहले, मतलब न्यू ईयर के दिन तो घर पे पूजा होते हैं, लास्ट दिन तक, पिछले ईयर के लास्ट दिन तक हम क्लीनिंग करते हैं पूरा घर, हर कोना कोना। तो मेरे घर पे अभी वही चल रहा है, न्यू ईयर तो हो चुके हैं बंगाली का, पर क्लीनिंग अभी मेरा चल रहा है। और एक टाइम हम ये क्लीनिंग करते हैं, वो है इसमें जो लोग जॉब करते हैं उनको बताए, घर मूव करने के टाइम पे, एक बार जहाँ से आप मूव कर रहे हो वहाँ से सारा चीज़ें पैकिंग करो और पूरा क्लीन करो, और जहाँ जा रहे उधर जाकर फिर से। यहाँ के तो घर पे ना एक छोटा सा भी स्पॉट हो किसी भी जगह पर,
तो आपको फाइन भरना पड़ता है। यहाँ बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो बहुत क्लीन करना पड़ता है। मतलब हम जब रेंटेड हाउस में रहते थे ना, जब भी हम घर चेंज किया, पूरा रात रात भर जग जग कर हम वो सब क्लीन करते थे। क्योंकि हमेशा क्या होता था, मूविंग हम रेंट जिस दिन ख़त्म होगा उसका एक दिन या 2 दिन पहले हम मूव करते, क्योंकि नेक्स्ट जो घर लेंगे उसका भी तो रेंट चालू हो जाएगा, तो ज़्यादा पहले भी ले नहीं सकते थे। तो 2 दिन पहले हम शिफ्ट करते, तो पूरा शिफ्ट होने के बाद ही क्लीन कर सकते। और किचन में तो खाना लास्ट दिन तक बनेगा, तो तब क्या करते, लास्ट एक दिन का खाना मैं पहले से बना कर रख कर फिर एक दिन पहले से किचन का क्लीनिंग स्टार्ट करते। और जो जो एरिया टच ना करूँ तो चलेगा, वो पहले से थोड़ी थोड़ी करके करके रख देते। और बहुत सारी सामान है उसको लास्ट में ही लेना है, तो ये पूरा क्लीनिंग नहीं हो पाता। और घर का भी फर्नीचर हटेगा, बेड हटेगा, तब भी तो पूरा क्लीन हो पाएगा। कपड़े पूरा जाएगा, तब भी तो क्लोजेट आप पूरा क्लीन करोगे। बाथरूम का भी आपको लास्ट डे पे ही क्लीन करना होता, तो इसलिए पहले से भी क्लीन करने का कोई ये नहीं, उसके बाद भी यूज़ होगा। तो फाइनल क्लीनिंग जो है वो एकदम लास्ट डे में ही चलता था। तो क्या होता था, हमेशा टाइम मैच करने के लिए पूरा रात भर हम क्लीन करते थे। ने बहुत यादें हैं, बहुत रात रात जाग कर 1 घंटा सोया, आधा घंटा सोया, अलार्म लगा कर फिर उठकर घिस रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है, ब्लीच से घिस रहा है, पूरा घिस रही, एक बार किचन घिस रहे हो, एक बार बाथरूम घिस रहे हो, एक बार घर में वॉल में कहीं कुछ स्पॉट लग गया उसको घिस रहा है। ये चलता था, पूरा दोनों मिलकर चलता था, क्योंकि आप अकेले भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो अंशुमन भी करता था दोनों मिलकर। एक बार हुआ था, हमको फ्लाइट पकड़ के दूसरे जगह जगह ना जाना था, और एक दिन पहले हमारा जो सामान था वो हम गाड़ी से भेज दिया और हमको फ्लाइट पकड़ के जाना, तो हमारा फ्लाइट छूट भी चुके थे। पूरा रात हम क्लीनिंग किया, फिर हम शायद 1-1.5 घंटे के लिए सोए थे और अलार्म बजा, पता नहीं क्यों हमको सुनाई नहीं, इतना टायर्ड थे ना, तो उठने में लेट हो गए। फिर उठने के बाद भी लास्ट मोमेंट का कुछ बाकी था, तो इस चक्कर पे हमारा फ्लाइट मिस हो गया था। और कितना भी करूँ लास्ट मोमेंट का रहता ही था, रहता ही था। क्योंकि बहुत सारे सामान सामान हटने के बाद ही बहुत सारी जगह मतलब आप क्लीन कर सकते हो, और बाथरूम और किचन का क्या करोगे आप, आपको लास्ट दिन ही क्लीन करना पड़ेगा। किचन का 2 दिन का खाना भी आप बना कर रखो, तब भी तो लास्ट 2 दिन क्लीन हो, उस टाइम पैकिंग करो फिर क्लीनिंग करो। और अगर सेम सिटी में हम करते थे मूव, तब तो खुद ही सब कर लेते थे, तब थोड़ा ना हम 4-5 दिन पहले घर लेकर थोड़ी थोड़ी करके मूव करके करते थे, पर क्लीनिंग वो लास्ट डे में ही करना पड़ता था। और जब कहीं दूर जाना होता था तब तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मूवर्स एंड पैकर्स तो पैक करते थे, वो बड़ा बड़ा सामान पैक करते और किचन का सामान करते। कपड़े जो हमारा होता है ना, वो खुद को कपड़े मेरे, और मतलब छोटे मोटे चीज़ जो किचन का भी, उतना छोटे मोटे चीज़ उतना अच्छे से वो लोग ऐसे सब मिलाकर करेगा, तो बहुत सारी चीज़ टूट जाता है इधर। तो छोटे मोटे चीज़ मसाला टसाला ये सब मैं खुद कर लेती थी, उनको जो बड़ा बड़ा सामान हम हैंडल नहीं कर पाएंगे वो सभी देती थी। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे 12 साल में बहुत कुछ हमने किया। फिर अभी एक ये है, एक शांति ये है, मूविंग का चक्कर नहीं है। 6-6 महीने पे भी एक बार, तो 2 महीने बाद भी हम मूविंग किया है। वहाँ का प्रोजेक्ट जाने के बाद उतना अंशुमन का पसंद नहीं आया, फिर उनको चेंज करना था, फिर तब वो ज्वाइन करने के बाद ही मुझे बोल दिया अनपैक मत करो। तो मैं शायद यहाँ से दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाऊँगी। तो उस टाइम पूरा घर बॉक्स भरा हुआ था 2 महीने तक, क्योंकि एक प्रोजेक्ट
से अपनी कल का दूसरे प्रोजेक्ट जाने में भी तो टाइम लग जाए, तो सब टाइम मिलकर 2 महीने लग गए थे हम दूसरे जगह जाने के लिए। तो 2 महीने तक पूरा बक्स भरा हुआ था। और फिर क्या हुआ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था एकदम, नहीं हो तो नहीं चलेगा, तो वो सब बॉक्स हम ओपन करके काम चला रहे थे। ऐसे ही दिन गया था हमारा। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड कल ना पूरा रात हम सो नहीं पाए थे, मतलब पता नहीं क्यों दोनों को ही अच्छे से नींद नहीं आए, तो इसलिए हमने सोचा आज हम दही के साथ राइस खाते हैं सिंपल। एंड मुझे साथ में जो पोटैटो फ्राई ऐसे करके ना, ऐसे करके पोटैटो को फ्रेंच फ्राइज की तरह, नहीं फ्रेंच फ्राइज नहीं बनेगा ये, सिंपल बंगाली में इसको बोलते हैं आलू भाजी, ऐसे खाने का बहुत मन कर रहे थे, तो मैं ये भी फटाफट से ये बनाने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से मैं बना लेती हूँ। तो इधर अभी थोड़ी सी मुझे लग रहा है बारिश होने वाले हैं, बहुत गर्मी है 2-3 दिनों से, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा एकदम, देखो किसी भी वक्त आ सकता है। मुझे लग रहा है 5-10 मिनट में ही आ जाएगा बारिश। तो अभी दोपहर में तो हम लोग दही के साथ राइस खाए थे, साथ में वो फ्राइड पोटैटो खाए थे बंगाली स्टाइल। तो अभी बहुत जल्दी जल्दी मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो मैं पूरा रेसिपी तो नहीं दिखा रही, जस्ट आपको बताती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। रुक जाओ, ये ना जल रहा है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं सोचा था इसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, पर फिर मुझे लगा ये शॉर्टकट तरीका, अगर किसी को आइडिया मिल सकता है कभी शॉर्टकट बनाना है, तो इसलिए मैं सोचा ये थोड़ा शेयर कर दूँ 2 मिनट का। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी घी लिया और उसमें ना ये किशमिश एंड थोड़ी सी काजू फ्राई करके, फिर मैं ना ऐसे ऑनियन का मसाला बनाकर रखती हूँ फ्रीज़र में, तो थोड़ा एक चम्मच मतलब एक क्यूब वो दे दिया, और अभी मैं इसमें डालूँगी, मतलब सारा चीज़ रेडीमेड या घर पे पहले से बनाकर रखती हूँ ऐसा। तो इधर मैं दे रही हूँ मिंट चटनी, और थोड़ी सी मेरे पास एक सालसा है कुछ, तो ये दे दूँगी, और मैं यहाँ थोड़ी सी ना मेरे पास चिकन मसाला पाउडर था, थोड़ी सी वो डाल दिया फ्लेवर के लिए, और अभी मैं ये राइस डाल दूँगी। बस ये ना एक जन किया अंदाज पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अंकुमान खाने वाले हैं, मैं नहीं खाऊँगी। तो इसलिए थोड़ी सी है, अभियान का खाना बन चुका है, उसको टमाटो राइस बना दिया, तो उसको टमाटो राइस चाहिए था, और मैं कुछ मैं क्या खाऊंगी मुझे अभी पता नहीं, तो मैं ये सब तो नहीं खाऊंगी, तो यही बस अभी इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूंगी। इसमें सिर्फ अभी नमक और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और फिर यहाँ पर मैं 1/2 कप राइस यूज़ किया, तो मैं लगभग 1 कप पानी इसमें डालकर फिर इसको जस्ट बॉईल कर लूँगी, और हो जाएगा मेरा पुलाव। और ये बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, पर यकीन नहीं मानोगे बहुत टेस्टी बनने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। अभी शाम का 8 बज चुके हैं, और सुबह सुबह आपको बोली थी मैं आज किचन पूरा सेट कर लूँगी, पर नहीं हो पाए, बहुत सारा कुछ सेट किया, क्योंकि
किचन फिनिश इसलिए नहीं हुआ, मैं ना लगातार किचन नहीं सेट कर रही थी कुछ, और मतलब सारा रूम का ही थोड़ी 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 कर रही थी जब जहाँ जा रहे थे। ओके, तो वहाँ के जो भी हाथ पे आ रहा है मुझे वही उठाकर सेट करने लग गई। तो इस चक्कर में कि मतलब पूरा घर ही अधूरा है, थोड़ी थोड़ी सब जगह के थोड़ी 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 हुआ है, कुछ भी मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारा काम हुआ पर अभी तक फिनिश नहीं हुआ। तो देखो 8 बजे है पर लग रहा है ना शाम की 5 बजे। चलो देखो, और बिहान का दिखा रहे हैं आपको भी, आपको भी दिखाती हूँ ठीक है। अच्छा बिहान दिखा रहा है ये अंशुमान ना, ये मिट्टी ला कर रखे है, सब गार्डनिंग कर रहे हैं ना तो उसमें डालने के लिए। तो पता नहीं ये कहाँ से सीड इसमें गिर कर अपने आप ही इस मिट्टी पे ही ये तीन ग्रो हो गया। तो अभी तक तो पता नहीं चल पाई ये क्या है, मुझे लग रहा है ये पम्पकिन होगा शायद, लेट्स सी, थोड़ी सी और बड़े होने के बाद पता चलेगा। मुझे लग रहा है ये शायद पम्पकिन, तो देखते। और हमारे अंशुमान जी तो अपना गार्डनिंग में बहुत ही बिजी है, बहुत ही बिजी। अभी तुम्हें दिखा रोज ही कुछ नया लगा रहे हैं, आज ही इसको नया लगाया, बहुत सुंदर है ये, है ना ये फ्लावर ना, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। मम्मा नेम पापा को पूछ, आज ही मैं भी आज ही दिख रही हूँ, मुझे भी नेम पता नहीं है। वहाँ पे और भी बहुत सारे पौधे लाकर रखे आपको दिखा। ये तो समर, ये तो नेम की, इसको तो समर क्रश बोलते हैं, ये तो नेम की समर क्रश। ना मैं जानी ना, ओहो बहुत सारे है। अच्छा ओ, एक ग्लास भी है, हम देखते पीएच की ओकन 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 हाथ देबे ना, हाथ कट हो जावे। हम कट है ना, हम हाथ दिए दिलम जे ना, तुम हाथ देबे ना, कट हो गेले किंतु इंजेक्शन दीते होबे। और ये ইনজেকশন দিতে হবে না, কাট হলে ব্যান্ডেজ দিতে হবে না, গ্লাস থেকে কাট হলে ইনজেকশন দিতে হবে। বাবাকে জিজ্ঞেস কর, আস্ক বাবা, যে কোনো কাটে ব্যান্ডেজ দিলে হয় না, গ্লাস থেকে যদি কাট হয় সেখানে অবশ্যই ইনজেকশন দিতে হবে টিটিনাস। না দিদি ভুল বলছি। তো ইয়ে সব না পানি দেখকার আমি ইয়া রাখে হ্যায়, ইয়ে যো দেখো इस टब में ऐसे जस्ट पानी देकर रख दिया, क्योंकि वो धीरे धीरे वो लगा रहा है तो उनको टाइम लगेगा सब कुछ सेट करने में, तो इसलिए ये ठीक रहे। बहुत हॉट ना अभी हमारा इधर टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है आजकल, तो इसलिए चलो देखते हैं। इस तरह क्या कर रहे हैं हमारे अंशुमान जी। ओ ओ क्या कर रहे हो भाई साहब, टाइम पास आपका पूरा मतलब क्या होता हो, आप पूरा पागल की तरह कर रहे हो, एकदम नशा उसका हो गया आपको।
पता है हम लोग 12 साल से साथ में हैं, फर्स्ट टाइम इनका इतना गार्डनिंग का शौक मैं देख रही हूँ। फर्स्ट टाइम पागल की तरह इस साल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से अचानक इतना शौक चढ़ गया। पहले वो देखता भी नहीं था, मैं जब हम लोग जब अपार्टमेंट में रहते थे रेंटेड, थोड़ी बहुत मैं कर लेती थी, ये तो देखते भी नहीं थे। मैं अगर बोलती भी थी तुम करो, और इस साल पता नहीं मतलब पागल हो जाएगा ये, ऐसा इसका हालत है। अगर पूरा दिन करते रहते हैं, पता है ऑफिस के बीच बीच में आकर, ब्रेक ब्रेक में आकर करते हैं पूरा सुबह से रात तक, एकदम सोने से पहले तक ये करते रहेंगे। मेरे बीबी के लिए रोमांटिक गार्डन तैयार कर रहा हूँ। अच्छा ये पुतो देना प्लीज, पुतो तुम ही पुतो। अरे और लग जाए लोगों ने, एक ही पैसा लगा ট্রাই কর। तो इस वीडियो को आज यहाँ एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।